उसकी बात नहीं सुनी। जज ने पैसे खाए, पैसे पैसे खा के उसको दे दिए। मेरी मेरी गोद हो जाती है। अब जज जो भी है तू अल्लाह से पाएगा। रोजे की हालत में तेरी बदुआ मांग रही हूँ। तू मरेगा गंदी मौत मरेगा। मैं अपनी एम्बेसी जाऊंगी। अल्लाह से छोड़ दो यार, अल्लाह से पाओगे तुम लोग। मेरी उलाद नहीं है ना, अल्लाह से पाओगे। अमजद शफीक जो भी है ना, तू अल्लाह से पाएगा। गलत फैसला किया। मेरे बच्चे ले लिए, 5-6 साल के बच्चे हैं दोनों। वो कहते हैं मामा वॉशरूम में बंद कर देते हैं, मुझे डर लगता है। वो बोल नहीं सकते। उसे नहीं सुनी, उसने अपनी सुना दी। उसने सिर्फ अपनी सुनी। अल्लाह से पाओगे। चलो ठीक है, अल्लाह से पाओगे। ये तो कहां से अल्लाह से पाओगे। मीडिया वाले कौन से? मीडिया वाले जी। आपका केस क्या था ये बताइए। मेरा केस ये, मेरे दो मासूम बच्चे, एक 5 साल के, 6 साल के, जो के उसका बाप ले गया। अब मैंने इधर कोर्ट में अप्लाई किया, सारा कुछ किया। बच्चे मुझे देखे, मैंने पूछा चलो बच्चों से, कहते मामा वो लोग वॉशरूम में बंद कर देते हैं, मुझे डर लगता है। मैं कहा आप उनके तरफ नहीं जाओगे? कहते वो फिर ले जाएंगे। डर से उन्होंने कहा बाबा सिर्फ खाए। जज कहते छोड़ ही जाओ, बाबा के पास जाओ, पैसे खाए हुए जज ने। असल बात तो ये अमजद शफीक जो भी है, कौन है? अमजद रफीक। अल्लाह से पाएगा। माँ की गोद उड़ा रही है ना, तेरा कुछ भी नहीं रहना। मरियम नवाज है, इमरान खान है, जो भी है, मुझे मेरे बच्चे लुटा दो बस। मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मेरे बच्चे। मैं ये श्रीलंका है और मैं इसका फादर हूँ, लेकिन हेल्प नहीं की है उन्होंने। बच्चे तो वैसे छीन कर लेकर गया होगा, 2019 में भी उठा कर लेकर गया, अभी भी उठा कर बच्चों को डराया हुआ ऊपर से, ना कोई हेल्प करने वाला ना कुछ। और जाई साहब ने 5 मिनट दिए बच्चों को पास चले जाओ। वो जिनके पास अभी कितने दिन से रह रहे हैं, वो तो प्रेशराइज किया हुआ, उसकी तो शादी हो गई, आगे उसके तो वो बच्चे हैं, तो वो सौतेली माँ के पास रह रहे हैं। कैसा फैसला है? जो लड़की शादी नहीं करना चाहती, अपने बच्चों के लिए जीना चाहती है, ये कानून है? ये किस तरह का कानून है?